आज हम बात कर रहे हैं लुकअप मेथड के कुछ फॉर्मूले के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा वी लुकअप मैच इंडेक्स के बारे में। अब चलिए वी लुकअप से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्यूशंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात प्रॉब्लम है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 10 नंबर आईडी का डेटा चाहिए। तो 10 नंबर आईडी का डेटा चाहिए तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमने लुकअप कर लिया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको लुकअप कर लिया, कॉमा 4, 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता करना है कि नोएडा जो सिटी है हमारा उसका नेम क्या है। ठीक, तो नोएडा सिटी का नेम पता करना हमें, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट मोस्ट चलता है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट चलता है, तो राइट टू लेफ्ट नहीं आएगा। इसके लिए आपको हमने मैच और इंडेक्स बताया था, हम तो उसके जगह पे यहाँ पे एक्स लुकअप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि इस नोएडा को किस में मैच करना है। तो मैच हमें करना है सिटी वाले कॉलम में, हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर पूछता है रिजल्ट एरे कि आपको रिजल्ट किसका शो करना है, तो मुझे रिजल्ट शो करना है नेम का। और यहाँ पे अगर रिजल्ट ना फाउंड हुआ तो यहाँ इफ एरर देने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपना हिसाब से रिजल्ट दे सकते हैं। और एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने देखिए नोएडा के सामने अजीत है, उसने अजीत का शो कर दिया। क्लियर है सर? हेलो। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मेरा डेटा ट्रांसपोज हो जाता है, हम पेस्ट स्पेशल करते हैं और पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज कर देते हैं, और यहाँ मुझे अगर 12 का नेम पता करना है क्या है, तो यहाँ वी लुकअप नहीं लगेगी। यहाँ पे हम लगा सकते हैं एच लुकअप का फॉर्मूला। जी हाँ, एच लुकअप जो कि हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, इसको सिलेक्ट किया और टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, हमने नेम पता करना था, नेम दूसरे नंबर पे है, एंड कॉमा 0 कर दिया, रिजल्ट देखिए कुनाल आ गया। अगर हम एच लुकअप लगा सकते हैं तो यहाँ हम एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स लुकअप भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स लुकअप और हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि किसमें मैच करना है और क्या रिजल्ट चाहिए, सिंपल सा। तो एक्स लुकअप इसको यूज किया जाता है। तो एच लुकअप और एक्स लुकअप दोनों समझ में आ गया आपको? हेलो। यस सर, एक बार इसको फिर से ये वाला एच लुकअप बता दीजिए सर। एच लुकअप, हाँ देखिए ये एच लुकअप, एच लुकअप जी, देखिए सिंपल से बात समझ लीजिए, जब आपका डेटा बॉटम हो, मतलब टॉप टू बॉटम हो, तो आप वी लुकअप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, राइट। लेकिन जब मेरा डेटा लेफ्ट टू राइट हो इस तरह से, तो यहाँ पे वी लुकअप नहीं लगा सकते, क्योंकि वी लुकअप जो है कॉलम सेलेक्ट करता है, ना कि रो सेलेक्ट करता है। इस केस में हम यहाँ पे एच लुकअप, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। एच लुकअप यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू, और टेबल एरे में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, जिसे हम वी लुकअप में सेलेक्ट करते हैं। वी लुकअप कॉलम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रो सेलेक्ट कर लिया, और वी लुकअप में कॉलम नंबर देते हैं, एच लुकअप में हम रो नंबर देंगे जो कि 1 और 2 है, और एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए कुनाल आ गया। क्लियर है? लेकिन एक्स लुकअप जो है एच लुकअप का भी काम करता है और वी लुकअप का भी काम करता है। तो लुकअप वैल्यू लिया और हमने बोला कि इसमें मैच करना है, कॉमा, फिर हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ भी कुनाल आ गया। अब समझ में आया सर आपको? सर ये अनम्यूट का राइट्स नहीं है सर, ये बार बार जूम अपडेट हुआ है तो कुछ सेटिंग चेंज हो गई है, मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा, कल से दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया सर।
और जैसे कि मान लीजिए सर इसमें वी लुकअप तो लेफ्ट से राइट जाता है, लेकिन एक्स लुकअप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों लगा सकते हैं। एक्स लुकअप में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, उसमें वन बाय वन देना होता है कि आप पहले रो दे दे फिर कॉलम दे दे, चाहे लेफ्ट में और राइट में उसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तो हम यहाँ मतलब पे इस देख रहे हैं। हिसाब देखिए एच लुकअप में हमने क्या किया हुआ, हमने पूरा एक रेंज लिया ना 1 से 4, ठीक है। जी ऐसे ही आपका वी लुकअप में आप देखेंगे तो वी लुकअप में हमने क्या किया हुआ है, एक रेंज लिया रखा ए से डी रखा है, लेकिन एक्स लुकअप में हमने ए को अलग लिया है, मतलब कि लुकअप अलग लिया है और रिजल्ट अलग अलग लिया है, तो अलग अलग आगे पीछे कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि वी लुकअप फर्स्ट इन फर्स्ट को उठाया, अगर मान लीजिए नोएडा, नहीं, हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट इसमें भी रहेगा, आपको जो वैल्यू जो आपका आ रहा है ना, मान लीजिए कि अगर पुनीत 2 बार है, कुणाल 2 बार है, तो पहला ही दिखाएगा, दूसरा नहीं दिखाएगा, वो तो सब सेम में सेम है। एक्स लुकअप में भी हाँ सब में सेम है, मैं तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ये समझ में आ गया दोनों ना। जी। ओके, अब तीसरा बात आती है लुकअप की, लुकअप फॉर्मूला। जैसे कि इसी की हम बात करें तो मुझे इस पे अगर मान लीजिए इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव का स्लैब कुछ इस तरह से कहता है कि 0 to 40 हुआ तो 500 दूंगा, 41 to 80 हुआ तो मैं यहाँ पे 1000 दूंगा, 81 to 100 हुआ तो 2000 होगा, और ग्रेटर देन 100 होगा तो 5000 होगा। अब ये इंसेंटिव मुझे देना है, तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो हमने बहुत अच्छा फॉर्मूला इफ का यूज किए थे, बट हम इफ यूज ना करके हम यहाँ पे वी लुकअप ही यूज कर सकते हैं या लुकअप यूज कर सकते हैं। सबका जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, 0, 41, 81, 101, और फिर इसको हम ले लेते हैं अपना कॉपी एंड इसको कर देते हैं पेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहां लगाऊंगा फॉर्मूला वी लुकअप का, लुकअप वैल्यू इसको सिलेक्ट करके, अब यहां पे कॉलम नंबर 2 क्योंकि 2 नंबर में हमारा है, 2 लूंगा, और यहां पे हम फॉल्स नहीं करेंगे क्योंकि तो फॉल्स करेंगे तो एग्जैक्ट मैच करेगा, लेकिन यहां पे हम करेंगे ट्रू, मतलब कि मिलता जुलता ऑपरेशन मैच, या 1 लिख दीजिए 0 की जगह पे। आप देखिए आ गया 2000, एक ग्रुप लुकिंग करता है, इसने देखा कि 87 किसके बिटवीन में है, तो इसने देखा इसके बिटवीन में है और इसने इसको शो कर दिया वी लुकअप का फॉर्मूला। इसी तरह का एक लुकअप का भी फॉर्मूला हमारे पास होता है सेम वर्क के लिए, तो इसमें आपको लुकअप वैल्यू और रिजल्ट वैल्यू अलग अलग देना पड़ता है, तो लेफ्ट राइट का चक्कर इसमें नहीं रहता है, तो आपने सेम रिजल्ट आएगा। लुकअप वैल्यू का एक और बेनिफिट है कि हम इसी के अंदर अपना इनपुट दे सकते हैं कि 0, 41, 81, 101 कर्ली ब्रैकेट में, फिर वापस के लिए काउंट किया रिजल्ट डाल देता हूं कि 500, 1000, 2000 एंड 5000, एंटर प्रेस कीजिए रिजल्ट। एक मिनट, मैंने कॉमा लगाना भूल गया, माफी चाहूंगा, कॉमा कॉमा कॉमा, समझ में आया? दिक्कत सर इसमें? आया सर? नहीं सर, नहीं। अब बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम की, आपने बोला कि अगर रिपीटेड हुआ तब क्या करें, क्या देखिए अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो आपके पास 2-3 फॉर्मूले हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें से देव का चाहिए, अब देव तो कई बार में रिपीटेड है इसमें, तो आप इसका हेडिंग को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, उसके बाद यहाँ फॉर्मूला आता है हमारा फिल्टर का, क्या आता है फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला में हमने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया कि किसको फिल्टर करना है, फिर आता है इंक्लूड, मतलब कि क्या कंडीशन क्या है, तो हमने बोला कि जो नेम का कॉलन है वो इक्वल टू होना चाहिए देव, ठीक है, बस यही पे आप एंटर प्रेस कर दें। देखिए देव 3 बार आया, तीनों रिजल्ट आ गया। अगर मैं देव के जगह पे ओम करता हूं तो ओम का 4 है, 4 आ गया। पूजा करता हूं
पूजा का 4000 आ गया, इंदु, ठीक है सर, क्लियर है। लेकिन ये आपके पास लेटेस्ट एक्सेल का है, पुराना एक्सेल अगर आपके पास है तो फिर ये पॉसिबल होगा। तो पुराने एक्सेल में हम क्या करते हैं, पुराने एक्सेल में हम यहाँ पे अगर तो पुराना एक्सेल है तो थोड़ा सा हम यहाँ त्रिगम करते हैं। अब क्या त्रिगम करते हैं बताते हैं आप। सबसे पहले हम एक नया कॉलम इंसर्ट करते हैं जिसमें हम देते हैं एक आईडी। इसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ, और हमने बोला कि बी टू से बी टू एंड कॉमा बी टू, सिंपल सा। लेकिन इसको नीचे ड्रैग करने से पहले बी टू को कर देंगे फ्रीज और फिर नीचे ड्रैग करेंगे। इससे होगा क्या कि हर किसी को एक नंबर आएगा, जैसे पहला देव, दूसरा देव, तीसरा देव, इस तरह से हर नाम को एक सिक्वेंस मिल जाएगा। और हम इसके साथ कॉन्केट कर देते हैं इसके नाम को, सेलेक्ट किया, कॉन्केट कर दिया, और नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते ही देखिए रिजल्ट आ गया। अब मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करना है, यहाँ सीरियल नंबर, और उससे पहले मैं यहाँ अगेन काउंटिफ का फॉर्मूला लूंगा। और इस बार काउंटिफ में पूरा कॉलम लेके इसको बताऊंगा कि आखिर है तो देव तीन बार है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसी हिसाब से सीरियल नंबर जनरेट हो। तो यहाँ पे दिया एफ, अगर ऊपर प्लस वन करने पे ग्रेटर देन थ्री होता है तो यहाँ पे दे दे ब्लैंक, अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस वन कर दे। अब नीचे ड्रैग करना है तो आई थ्री को करना होगा फ्रीज और इफ एरर लगाना होगा क्योंकि ए नीचे एरर देगा जब इसका सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। तो इफ एरर में दे दिया हमने ब्लैंक, तो इससे क्या होगा एक सीक्वेंस नंबर जितना डेटा होगा उसके हिसाब से जनरेट कर देगा। फिर वी लुकअप लगाते समय हम इसको और नाम को डैश के साथ कंबाइन कर ले क्योंकि हमने आईडी इसी तरीके से बनाया है, एंड कॉमा अपने डेटा को सिलेक्ट किया, नेम के लिए 2.0। अब यहां भी एक मिनट, ए से डी एफेक्ट, माफ कीजिएगा हमने गलत तरीके से यहाँ पे कंबाइन किया, दोबारा लगाता हूँ। वी लुकअप पहले नेम फिर कॉन्केनेट डैश फिर यहाँ पे एच थ्री, हमने आई थ्री कर दिया था, फिर टेबल कॉमा 2.0 और इसमें हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि नीचे ब्लैंक है तो एरर होगा। इसमें एच थ्री को हम कर देते हैं फ्रीज और यहाँ कॉमा ब्लैंक। अब नीचे इसको ड्रैग कर देते हैं, अब इसको सेम फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे दो के जगह पे हो जाएगा तीन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नीचे ड्रैग करते हैं और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और तीन के जगह पे हो जाएगा चार और नीचे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल आपके सामने बन के आ गया कि मैं ओम डालूंगा तो ओम का आ गया, मैं पूजा डालूंगा तो पूजा का आ गया। इसी को कहा जाता है वी लुकअप लिस्टिंग। आया समझ में सर? यस सर। तो वी लुकअप लिस्टिंग इसमें आ गया। इसके अलावा आपके पास मान लीजिए कि मुझे डेटा चाहिए लेकिन शॉर्टेड चाहिए तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे शॉर्ट का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन हेडिंग मत रखिएगा, बना हेडिंग को भी शॉर्ट कर देगा। यहाँ पे शॉर्ट इक्वल शॉर्ट का फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब कौन से कॉल इन कॉल शॉर्ट इंडेक्स, हमने बोला कि मुझे पहले नंबर से नेम के अकॉर्डिंग इंसर्ट को शॉर्ट करना है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो हमने बोला असेंडिंग में करना है। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया शॉर्ट। उसी तरीके से यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता करना है कि टोटल नाम कितने तरह के हैं,
तो यहाँ पे यूनिक का फॉर्मूला आप लगाएंगे और सेलेक्ट कर लीजिए कॉलम को, ये बता देगा कि इसके अंदर में टोटल कितने नंबर ऑफ कितने नेम लिस्ट है, यूनिक का फॉर्मूला लगा देगा। क्लियर है सर? तो प्रवीण जी यहाँ पे हमारा लुकअप एंड रेफरेंसेस की कैटेगरी होती है खत्म। अगली क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूले के बारे में, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या करता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।